रेवाड़ी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह यादव ने केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की मौजूदगी में समर्थकों के साथ पहुंचकर अपना नामांकन किया और इस अवसर पर राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी शुभकामनाएं दी और पार्टी में बगावत के सवाल पर कहा कि बगावत कर निर्दलीय या अन्य दल से चुनाव लड़ना उनका हक है जिसका पार्टी को मंथन करना होगा, फिर भी आपसे खींचतान को दूर करने का प्रयास करेंगे और रेवाड़ी से जीता हुआ कैंडिडेट पार्टी को देंगे। वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह यादव ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद किया और कहा मिलकर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने उनके सीएम बनने के सपने के सवाल पर कहा यह उनका नहीं जनता का सपना है और जनता चाहती है, अगर जनता ऐसा चाहती है तो भगवान भी सुन रहे हैं। राव ने रेवाड़ी से कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव के नामांकन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पहुंचने के सवाल पर कहा पता नहीं चुनाव के बाद हुड्डा कैप्टन के साथ रहेंगे या नहीं और कैप्टन व चिरंजीव भी हुड्डा के साथ नजर आएंगे या नहीं ये वक्त बताएगा। उन्होंने बावल विधानसभा से अभी तक टिकट न मिलने के सवाल पर कहा यह उनके हाथ में नहीं, ये तो पार्टी का अधिकार क्षेत्र है। 2019 में 75 पार और 2024 में क्या विचार के सवाल पर कहा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि वे अपने जीत को लेकर 100% आश्वस्त हैं। उन्होंने नामांकन में स्थानीय भाजपा नेताओं के ना पहुंचने के सवाल पर कहा 2024 और 2019 में जिस प्रकार रेवाड़ी में भाजपा प्रत्याशियों का तन मन से सहयोग किया उसी प्रकार सभी को साथ मिलकर बड़े मन से सहयोग करना चाहिए और अपने कर्ज को उतारना चाहिए। कार रूटों को मनाएंगे और चुनाव लड़ेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। बाद में करेंगे भाई, कैसे करें यार, कैसे होएगी कैसे होएगी। हेलो, आप एक आईडी लगाने दो, शेड हटाओ यार। ओए हमें दे ना, चुप रहो भाई, ये नीचे वो गिर गया यार, तुम एक सारे पकड़ लो, छोड़ मैं पकड़ूंगा। हाँ भाई, तो मैं किमी भी एक और आईडी जान भाई उम्मीदवार का क्या कहेंगे? हमारे यहाँ तो पहला ही उम्मीदवार है बीजेपी का दक्षिण हरियाणा के अंदर जिसने नामांकन भरा है। अभी हमारी 4 सीट दक्षिण हरियाणा की और बकाई है, 3 सीट अभी मेवात की और बकाई है, लेकिन लक्ष्मण सिंह जी का नाम पहले पार्टी ने तजवीज कर दिया था और आज के दिन ये नंबर 1 के तौर के ऊपर पार्टी की तरफ से दक्षिण हरियाणा के अंदर अपना पर्चा भरने लग रहे हैं। हम सब सहयोग करेंगे इनकी, पार्टी के अंदर अगर कोई खींचा तान भी है उसको मिटाने की कोशिश करेंगे और आने वाले समय के अंदर यहाँ से आपको एक जीता हुआ कैंडिडेट देंगे। जिन लोगों की टिकट कटी, बागी उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आने का ऐलान उनकी तरफ से कर दिया गया, 11 तारीख को पर्चा भरने की तारीख भी दे दी गई। जो लोग बागी होकर के इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं उनका हक है, लेकिन पार्टी को इस बात के ऊपर विचार करना पड़ेगा कि इनको किन लोगों ने पार्टी के अंदर पहले शामिल करवाया था। जब इस बात का पूरा संकेत था कि शायद ये अगर टिकट ना मिलेगी तो ये बागी हो जाएगी। सर कोसली रेवाड़ी हो गया, लेकिन सर बावल से किसको माने? बावल से जो पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसको मानना पड़ेगा भाई, हमारे हाथ में बात है नहीं। तो आप दक्षिण हरियाणा में बात करें तो राव इंद्रजीत सिंह एक बड़े कद्दावर नेता है, उनकी कहीं ना कहीं पार्टी नाराजगी मोल नहीं ले सकती। ये तो देखो पार्टी अपनी सबसे अब्बल होता करती है। मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप के अंदर आज लक्ष्मण सिंह का पर्चा भरवाने के अंदर आया हूँ, मेरी शुभकामना है और मैं आपके मार्फत सभी अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि रोष अगर किसी को अगर है भी तो वो भुला करके और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को यहाँ से जिता कर। सर कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे? इस बार क्या उम्मीद देख रहे हैं? 75 पार का नारा था 2019 में, 2024 में क्या आपका प्रेडिक्शन है, क्या सोच रहे हैं आप? मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज रेवाड़ी में है, कप्तान साहब के सपोर्ट में है, कैसे क्या देखते हैं? हाँ तो उनको आना भी चाहिए, पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज उनके पक्ष में आ रही है, कल उनके पक्ष में रहेंगे या नहीं रहेंगे या कप्तान साहब उनके पक्ष में रहेंगे नहीं रहेंगे ये तो भविष्य ही बताएगा। आपने कहा था सीएम हम बनाएंगे तभी बनेगा ना, हाँ तो
सीएम की रेस में है और आपकी रेस में आप भी अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है, क्या मान रहे हैं आप? नहीं, हमारी उम्मीद तो देखो आज के दिन सैनी जी की गुड्डी चढ़ी हुई है, अमित शाह जी ने उनको सीएम डिक्लेयर कर दिया है, तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जब एक बात कहता है तो हमारे को सबको फॉलो करना चाहिए उसी शय के। सब चिरंजीव राव अपने आप को डिप्टी सीएम कह रहे थे, आपकी रणनीति जो बता रहे थे हम बनाएंगे तब बनेगा ना, तो आपकी कोई प्लान रणनीति? देखो कहते हैं ना इलेक्शंस के माध्यम से तो फैसला होता है जनता का, लेकिन ये भी कहते हैं कि एक हफ्ता भर भी राजनीति के अंदर बहुत लंबा समय होता है, तो अभी देखो अब तो राव साहब भी बड़े बुजुर्ग हो गए हैं सीएम का सपना देखते देखते। कौन? राव साहब। राव साहब की भी एक इच्छा जरूर रही है सीएम बनने। नहीं सुनो, ये मेरी इच्छा नहीं, पब्लिक की इच्छा थी, जनता की पब्लिक की इच्छा आज भी है कि मैं सीएम बनूं। दक्षिणी हरियाणा ने पिछली बार और उससे पिछली बार अगर भारतीय जनता पार्टी का सहयोग नहीं दिया होता तो मनोहर लाल जी खट्टर दो बार चीफ मिनिस्टर नहीं बनते, और आज के दिन भी अगर पब्लिक चाह रही है भगवान सुन रहा है। सर डिप्टी सीएम सर, सर मैं धन्यवाद करूंगा हमारे प्रदेश नेतृत्व का, धन्यवाद करूंगा राव साहब का, धन्यवाद करूंगा जिस अवसर पे मेरे नामांकन के अवसर पे यहाँ पहुंचे हैं, और मैं जिले की पूरी टीम का भी धन्यवाद करूंगा, अब उनके सब मिलके इस चुनाव को हम लड़ेंगे और चुनाव को जीतेंगे। सर जिस प्रकार से चिरंजीव राव अपने आप को डिप्टी सीएम कह रहे हैं जीतते ही रहेंगे, तो क्या कहेंगे? देखिए ये तो उनकी पार्टी जाने, वैसे तो मैं ये कहूंगा मुंगेरी लाल के असीम सपने, चुनौतियां नजर आ रही है। कल दो बड़े नेताओं ने, भाजपा के नेताओं ने बगावत कर कहा है कि हम भी पर्चा भरेंगे, सतीश यादव सन्या। अब ये तो राव साहब के मुख से आपने सुन लिया, अब जो प्रजातंत्र में जिसका मन होगा वो करेगा, बाकी जनता जनार्दन इसका फैसला करेगी। आपकी भाजपा के भी दो बड़े नेता है पप्पी वास जी और अरविंद जी, वो भी आज नादारा था आपके यहाँ। नहीं देखिए दोनों अरविंद जी से मेरी बात हुई थी, आज वो कई जरूरी काम से बाहर थे, वो हमारे साथ कंधे से कंधा लगा खड़े रहेंगे, और थोड़े दिन छोटा मोटा मलाल होता है, टिकट बटती है तो क्योंकि काफी लोग मांगने वाले होते हैं तो छोटा मोटा विवाद होता है, हम परिवार का मामला सुलझा ले। वासुदेव से भी कोई बात हुई है इस बारे में? किस बारे में? आपके पास जी आपके साथ आएंगे, आ जाएंगे देर से, फिर क्या बात है? राव साहब का टप्पा है वो मारता है, हम दोबारा से नहीं करेंगे वो। भाई देखिए मैं तो आपके माध्यम से यही अपील करूंगा भाई रणधीर जी को जी, लो मैं टिकट मांग रहा था रेवाड़ी से, आप सबको पता भी है जी, तो रणधीर जी को मिल गई तो मैं कंधे से कंधा मिला के और पूरे चुनाव का संचालन मैं संभाल रहा था जी। इसी तरह से 14 मई में रेवाड़ी से मांग रहा था टिकट, तो उसमें भी आपने देखा रणधीर को मिल गई, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े थे, तो बड़े मन वाले हमने साथ आ जाएंगे, इसमें क्या है? मुझे 19 में कोसली भेज दिया गया, कोसली में भी सारे कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पे, पार्टी की मेहनत के बल पे मैं जीत के आ गया, और अब भी मुझे पूर्ण विश्वास है सब लोग करे हुए को कोई रोकता नहीं है, किसी का कर्जा कोई नहीं चढ़वाता, करे हुए को उतारने के समय होते हैं, कभी कभी अवसर जीवन में आते हैं, सबको उतारना चाहिए जैसे हमने उतारा, और बड़े दिल वो कहते हैं ना छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे दिल से कोई खड़ा नहीं होता। कितना ठेकेदार साहब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से तो भट्टा बैठा के कोसड़ी का रिवाड़ी को बैठाने चले गए, भाई आपकी पार्टी गई है? नहीं नहीं देखिए राजनीति में रोज सुनाते हैं, राजनीति में कोई परेशानी रही होगी, लोगों के मन में कोई परेशानी रही होगी, क्योंकि 5-5 साल दोनों के ही मिले थे, पर मैं तो कोविड का जमाना भी देखा, 1 साल किसान आंदोलन भी देखा, और अल्पमत की मेरी सरकार भी थी, लेकिन मैं अपना दस्तावेज साथ लेके घूमता हूँ 5 साल का हिसाब, अभी मेरी किताब होगी तो मैं आपको उसको दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या काम करा है, जबान पे किसी पे कोई ताले नहीं, जबान से कोई कुछ कहते मीटर नहीं निकालता ये नहीं, लेकिन रिकॉर्ड लेके चलते हैं और हम 5 साल का जनता को हिसाब देंगे, और मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ अगर रेवाड़ी पे 50 साल से एक परिवार का कब्जा है उनसे भी हिसाब ले लेना।